हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ विद आईएएस में एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। सभी स्टूडेंट्स लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो स्थगित परीक्षाएँ हैं वो होंगी या फिर नहीं होंगी, क्या स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने ये कहा था कि 2 जुलाई को डिसीजन दे दिया जाएगा, फाइनल गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 2 जुलाई को गाइडलाइंस जारी नहीं की गई। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है कि अब जो फाइनल डिसीजन होगा वो सोमवार तक आ सकता है और शासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। फिलहाल रुहिलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए क्या न्यूज है, चलिए जानते हैं यहाँ पर विस्तार से। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे MJP रुहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली स्टेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट 1975, ये रुहिलखंड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज आपको समय पर मिलती रहे। इसके साथ ही मैं दोस्तों यहां पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो भी यहां पर गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो छात्र हित में ही होगा और जो प्रमोशन का फैसला है वो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं समझ सकता हूं कि आप कितना ज़्यादा यहां पर परेशान होते होंगे इस समय, क्योंकि एक एक दिन आपको काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ता होगा ऐसे समय में, जबकि गवर्नमेंट फैसले के डेट क्लियर करने के बाद उस डेट पर फैसला नहीं दिया, फिर से एक नई डेट बताई गई। फिलहाल हम यहाँ पर इंतज़ार ही कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको देख सकते होंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जानकारी दी गई है एक ट्वीट करके, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये ट्विटर यहाँ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। MJPRU स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि रुहिलखंड यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इज़ वॉन्ट टू फॉलो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर, उसे यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज, यानी कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो गाइडलाइंस है उस पर निर्णय लिया जाना है। फिलहाल अभी यहाँ पर आप देख सकते होंगे रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज द यूनिवर्सिटी इज़ वेटिंग फॉर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, यानी कि वर्तमान परिस्थितियों में एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्डर देगी, डायरेक्टिव्स जो भी यहाँ पर ऑर्डर दिए जाएंगे वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी अभी इनका वेट कर रही है। जो भी राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा आपकी परीक्षाओं को लेकर, उसी के टाइप से यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।